पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के नतीजे आज आ रहे हैं। सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो गई है। शुरुआती रुझानों में टीएमसी आगे चल रही है। टीएमसी ग्राम पंचायत की 3285 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि बीजेपी को 678 सीटों पर बढ़त है। वहीं सीपीएम 508, कांग्रेस 154 सीटों पर आगे चल रही है। पंचायत समिति की 261 सीटों पर टीएमसी आगे चल रही है, जबकि बीजेपी, कांग्रेस और सीपीएम का भी खाता भी नहीं खुला है। यही हाल जिला परिषद की सीटों का है। जिला परिषद की 928 सीटों पर 10 पर आए रुझानों में टीएमसी आगे चल रही है, वहीं बीजेपी, कांग्रेस का खाता नहीं खुल पाया है। इस बीच खबर कूच बिहार से सामने आ रही है, जहां तृणमूल पर मतगणना केंद्र पर मतपत्रों पर स्याही और पानी डालने का आरोप लगाया। कूच बिहार के ब्लॉक नंबर 1 में काफी तनाव है। 100 वोटों में से बीजेपी को 98 वोट मिले, तृणमूल को 2 वोट मिले। इसके बाद तृणमूल ने मतपत्र पर स्याही और पानी डाला तो बीजेपी ने शिकायत की। आरोपी तृणमूल की महिला उम्मीदवार हिरासत में है। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के नतीजे आज आ रहे हैं। सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो गई है। शुरुआती रुझानों में टीएमसी आगे चल रही है। टीएमसी ग्राम पंचायत की 3285 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि बीजेपी को 678 सीटों पर बढ़त है। वहीं सीपीएम 508, कांग्रेस 154 सीटों पर आगे चल रही है। पंचायत समिति की 261 सीटों पर टीएमसी आगे चल रही है, जबकि बीजेपी, कांग्रेस और सीपीएम का भी खाता भी नहीं खुला है। यही हाल जिला परिषद की सीटों का है। जिला परिषद की 928 सीटों पर 10 पर आए रुझानों में टीएमसी आगे चल रही है, वहीं बीजेपी, कांग्रेस का खाता नहीं खुल पाया है। इस बीच खबर कूच बिहार से सामने आ रही है, जहां तृणमूल पर मतगणना केंद्र पर मतपत्रों पर स्याही और पानी डालने का आरोप लगाया। कूच बिहार के ब्लॉक नंबर 1 में काफी तनाव है। 100 वोटों में से बीजेपी को 98 वोट मिले, तृणमूल को 2 वोट मिले। इसके बाद तृणमूल ने मतपत्र पर स्याही और पानी डाला तो बीजेपी ने शिकायत की। आरोपी तृणमूल की महिला उम्मीदवार हिरासत में है। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के नतीजे आज आ रहे हैं। सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो गई है। शुरुआती रुझानों में टीएमसी आगे चल रही है। टीएमसी ग्राम पंचायत की 3285 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि बीजेपी को 678 सीटों पर बढ़त है। वहीं सीपीएम 508, कांग्रेस 154 सीटों पर आगे चल रही है। पंचायत समिति की 261 सीटों पर टीएमसी आगे चल रही है, जबकि बीजेपी, कांग्रेस और सीपीएम का भी खाता भी नहीं खुला है। यही हाल जिला परिषद की सीटों का है। जिला परिषद की 928 सीटों पर 10 पर आए रुझानों में टीएमसी आगे चल रही है, वहीं बीजेपी, कांग्रेस का खाता नहीं खुल पाया है। इस बीच खबर कूच बिहार से सामने आ रही है, जहां तृणमूल पर मतगणना केंद्र पर मतपत्रों पर स्याही और पानी डालने का आरोप लगाया। कूच बिहार के ब्लॉक नंबर 1 में काफी तनाव है। 100 वोटों में से बीजेपी को 98 वोट मिले, तृणमूल को 2 वोट मिले। इसके बाद तृणमूल ने मतपत्र पर स्याही और पानी डाला तो बीजेपी ने शिकायत की। आरोपी तृणमूल की महिला उम्मीदवार हिरासत में है।